नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। तमिलनाडु के तजापुर जिले में लावण्या को धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसके दबाव में आकर वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। उसी विषय में राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। नमस्ते, मैं विनीता इंद्र, क्षेत्रीय छात्र प्रमुख, बिहार झारखंड। अभी हम लोग यहाँ पे धर्मांतरण यहाँ पे अभी हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इसी तरह का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जो है पूरे देश भर में सभी राज्यों में अभी चल रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन है वो एक छात्रा लावण्या को लेकर के है, लावण्या के न्याय को लेकर के है। जो लावण्या है वो एक टॉपर छात्रा है और वह तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक सेक्रेड हाई स्कूल मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करती है। जब वो वहाँ पे पढ़ाई करने जाती है तो उनके घर वालों को सबको बुला करके कहा जाता है कि अगर आप जो है धर्मांतरण कर लेते हैं, अपना हिंदू धर्म से ईसाई मिशनरी धर्म में आप अगर आ जाते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है वो मुफ्त होगी, आपकी पढ़ाई में हम लोग मदद करेंगे, ऐसा बोल करके। और जो लावण्या छात्रा होती है वो गरीब परिवार की होती है, तो जो है उसे लालच दे करके धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह जो है नहीं मानती है, वो धर्मांतरण करने से साफ इनकार कर देती है। तब जो है वो लोग वहाँ के जो ईसाई पादरी होते हैं, फादर होते हैं स्कूल के, वो लोग भी जो है उसे एक निशाना के तौर पर देखते हैं और उसे जब स्कूल की छुट्टी होती है तब भी उसे छुट्टी पे भी घर नहीं जाने दिया जाता है। और जब वो जो घर वाले होते हैं, उनके परिवार वाले, वो सोचते हैं कि मेरी जो बेटी है वो स्कूल में रह करके पढ़ाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होता है। स्कूल में जो स्कूल शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर जो है धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जाता है। उसे जब वो धर्मांतरण नहीं करती है, एकदम धर्मांतरण का जो है करना स्वीकार नहीं करती है, तब उसे प्रताड़ना जो है देने का प्रयास करते हैं वो लोग, और 2 साल तक जो है लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता है। और जैसे प्रताड़ित करने में उसे जैसे स्कूल का साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करवाना, साथ ही साथ वहाँ के जो शौचालय होते हैं उसकी साफ़ सफाई करना, और उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसी मानसिक प्रताड़ना दी जाती है जिससे वो मजबूर होकर के, वो कमज़ोर होकर के आत्महत्या करने का प्रयास करती है और वो कीटनाशक दवाई का सेवन कर लेती है। लेकिन जब स्कूल वालों को पता चलता है कि वो कीटनाशक दवाई खा ली है हमारे प्रताड़ना के कारण, तो जो है उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जब ले जाते हैं तो वहाँ पर भी वो छात्रा थोड़ा सा जब होश आता है तो वो अपने वो बयान देती है कि मेरे साथ में स्कूल में किस तरह से प्रताड़ना किया गया, हमने क्यों ऐसे आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, और उसका जो है वीडियो भी जो है सामने आया। तब जो है अपने वो उसका परिवार जो है वहाँ की स्टालिन सरकार है, वहाँ की जो डीएमके सरकार है उसी के सपोर्टर थे, इसके बावजूद भी जब वो आत्महत्या करती है तो उनके परिवार से कोई भी मिलने नहीं आता है। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लावण्या के घर जाते हैं और उनके परिवार से मिलते हैं और फिर पता चलता है कि लावण्या के साथ में क्या हुआ। और एक बेटी को जो है न्याय दिलाने के लिए दूसरी बेटी अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ, वो सुश्री निधि त्रिपाठी के साथ साथ, वहाँ के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के श्री मुथु रामलिंगम जी और हरे कृष्ण जी, उनके साथ ही साथ 32-33 ऐसे छात्र होते हैं, वो भी वहाँ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री आवास के बाहर में इसी तरह से जब आंदोलन करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो वहाँ की जो स्टालिन सरकार है वहाँ वो पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें लाठी डंडे से पीटा जाता है कार्यकर्ताओं को, और उनको जो है गिरफ्तार करने के बाद में उनको रात में कोर्ट लिया जाता है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा जाता है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है उन्होंने जो सरकारी संपत्ति है उसे नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है, जो जनसेवक है, पुलिस प्रशासन है, उनके ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया गया। जबकि जो वीडियो सामने आया है जब ये इस तरह की जब घटना हो रही थी, तो उस वीडियो में साफ हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं की, बल्कि उल्टा ही जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन है वो उनके ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर में वो लाठी डंडे चला रही थी। तो इससे साफ पता चलता है कि जो वहाँ की सरकार है वो ईसाई मिशनरियों का ये जो गोरख धंधा चल रहा है धर्मांतरण कराने का, उसे बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जब वो वीडियो में दिखाई देता है कि जब लावण्या बताती है कि कौन कौन टीचर उनके साथ में कैसे किए, किस तरह से उनके साथ ये बर्ताव किया गया, तो उन टीचर्सों को वहाँ के जो वार्डन होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो जेल से छूट करके आते हैं आरोपी, तो उनको वहाँ के जो विधायक होते हैं वो शॉल ओढ़ा करके उनको सम्मानित किया जाता है।
तो ये जो है बहुत गलत बात है। इसी से पता चलता है कि वहाँ की सरकार लावण्या को न्याय देने के मूड में नहीं है, वो बिल्कुल जो है वो महिला विरोधी सरकार नजर आ रही है। और जो अपने कार्यकर्ताओं का जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से किया गया। इसी से पता चलता है कि जो लोकतंत्र का अधिकार है उसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं वो लावण्या के न्याय को लेकर के चल रहे हैं, और अपने जो साथी जो कार्यकर्ता है जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको उनके रिहा के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारा जो है ये लावण्या को अगर न्याय नहीं मिल जाता है और हमारे जो साथी कार्यकर्ता है उनको रिहा नहीं किया जाता है, तब हम जो है इसी तरह से आंदोलन तब तक करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे उनके न्याय के लिए। और यदि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा जो है दबाव बनाया जाता है कि ये आंदोलन रोक दो बोल करके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा और भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही केंद्र सरकार से मांग है कि जो है ये धर्मांतरण का जिस तरह से खेल खेला जा रहा है उसके विरुद्ध जो है कोई एक कानून बनाया जाए और लावण्या को जल्द से जल्द न्याय मिले, साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता जो गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करें। ऐसा लावण्या जैसा कितने लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा है उसके सबके लिए कितना आंदोलन हुआ, लेकिन भी न्याय नहीं मिल रहा है उस पर। अगर उनको भी न्याय नहीं मिला तो क्या आगे का क्या रणनीति होगा? अगर लावण्या को, लावण्या जैसी बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आगे के दिनों में ऐसे धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है उसका शिकार हो सकते हैं, तो इसके बचाव के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये लावण्या जैसे बाकी दूसरे छात्र छात्राएं इसके शिकार ना हो, इसके लिए हम लोग कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। यदि लावण्या को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जो है ऐसे संघर्ष करते रहेंगे और इस तरह का बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक। तो आपने सुना कि अगर लावण्या को न्याय नहीं मिला तो ये लोग क्या करेंगे। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।